दिया है थाना को, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रिंस खान आज से नहीं, पहले से, मैंने खुद डीजीपी से बात किया है पहले, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब धनबाद में हत्या होने लगी और मैं धनबाद में गया था मीटिंग करने, और इसके बाद मैंने उनसे बात किया था डीजीपी को, ये क्या हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि सर वो विदेश में रहते, हमने कहा कि भाई उनके जो पुर्गे हैं यहाँ, जो लोग उनका टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं, उन चार लोगों को पकड़ करके अब ठोक दीजिए डंडे से, अब इसके बाद कोई अपराधी फिर उनका कोई मोबाइल नहीं उठाएगा। क्या बात करते हैं, सरकार ये सारे अपराधियों को प्रोटेक्शन देती है, और इसके बाद बात करते हैं सरकार चार साल से उनके यहाँ चल रही है, प्रिंस खान चार साल से वो यही धंधा कर रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं आपको बताता हूँ, कोई प्रिंस खान का टेलीफोन झारखंड की धरती में रिसीव करने वाला आदमी हिम्मत नहीं जुटा सकता है।